हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और भाई आज का व्लॉग है खास चक्का जाम पे। और भाई चक्का जाम क्या, कल से हम खाली करके खड़े हुए हैं। तो ड्राइवर भाइयों को एक सबसे अलग मैसेज देना चाह रहा हूँ। जितने भी भाई ड्राइवर भाइयों ने गाड़ी खड़ी की है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कल से खड़ा हुआ हूँ, मैंने भी गाड़ी लोड नहीं की। हालांकि कच्चे माल पे चल रहा था मैं यहाँ पालनपुर से, लेकिन कल से पालनपुर में, पालनपुर के पास में ये क्या नाम है, खैरालू, यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ कल से। तो काफी भाई गाड़ी खड़ी नहीं कर रहे हैं भाई, चला रहे हैं कंटिन्यू गाड़ी। तो उसमें बहुत लोग हैं, मैंने सुना है इधर बॉम्बे लाइन पे काफी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो भाई मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा, जितने भी ड्राइवर भाई गाड़ी चला रहे हैं चक्का जाम में, आंदोलन में साथ नहीं दे रहे ना ड्राइवरों का, उनके लिए खास एक मैसेज है कि भाई तुमने आधी जिंदगी मेरे ख्याल में ड्राइवरी में निकाल दी होगी। ना तो तुम आज से पहले कभी करोड़पति बने, ना अब कभी बनने के, ठीक है ना। अगर ये कानून लागू हो गया ना तो तुम्हारी तो वैसे ही खटिया खड़ी होने वाली है ना। ना तो तुम करोड़पति पहले बने, ना अब बनने के। तो भाई इससे अच्छा है ये कानून वापस करवाने में सभी ड्राइवरों को सहयोग दे, नहीं तो ये तुम्हारे लिए भी बुरा है, हमारे भी लिए भी बुरा है, जो इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं उन सभी के लिए बुरा है कानून है ये। और जो ना दे रहे हैं ना, जो घर पे बैठे हुए हैं या जो आम लोग हैं, उन सबके लिए है। जो गाड़ी चलाता है ना उसके लिए, चाहे छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, उन सभी के लिए भाई ये बिल्कुल काला कानून है ना। तुम एक्सीडेंट करोगे तो भी तुम्हें नुकसान है, वैसे चलते रहोगे, तुम में कोई आके ठुक गया, तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई आके तुम पे ऑब्जेक्शन उठा दिया तो भी तुम्हारा नुकसान है ना। और दूसरी बात कि भाई तुम जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हॉस्पिटल पहुंचा भी दोगे तो भी तुम्हें सजा है, ना पहुंचाए तो भी तुम्हें सजा है, मतलब डेफिनेटली तुम्हारा बंटादार होने वाला है। तो इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है कि इस चक्का जाम में सभी का सहयोग करें, सब अपना अपना सहयोग दें, तो भाई ये कानून वापस हो सकता है। अगर तुम लोग ही एक दूसरे की टांगे खींचोगे ना, अरे क्या होगा अपनी एक गाड़ी से, अपने एक ड्राइवर से क्या होगा। नहीं भाई, ये तुम्हारी गलत सोच है। एक गाड़ी से बहुत फर्क पड़ेगा भाइयों। अगर अभी तुम एक नहीं हुए ना तो कभी होने के भी नहीं। और दूसरी बात भाई, इतना जो सहयोग ड्राइवरों को मिला है ना, ये मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। इतनी तादाद में, इतनी गाड़ी वाले, इतने मतलब गाड़ी वालों की छोड़ो, जो बाहर से है ना, बाहर के बंदे भी सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को, बाकी बड़े नेता वगैरह कोई साथ नहीं दे रहा है इस चीज में कि तुम करो हम तुम्हारे साथ हैं। कोई इस कानून के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। सबसे पहले ट्रक ड्राइवरों ने इस चीज को लेके अपना फैसला लिया है कि ये चक्का जाम होके रहेगा, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। इसलिए सभी ट्रक ड्राइवरों से निवेदन है कि भाई इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, है ना, और सभी का इससे अच्छा भला होगा। नहीं तो भाई सबकी अपनी अपनी मर्जी है, हमारे बोलने से कोई ना तो इस आंदोलन में साथ देगा ना कुछ और। तो भाई मैं कल से खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे इधर पे, इधर से ना ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई लोड नहीं मिल रहा है, यहाँ सब्जियां चल रही हैं यहाँ से, फिर भी हम गाड़ी लोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये 2-3 दिन का जो है ना उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि मेरी खुद की गाड़ी है भाई, जो भाई डेली व्लॉग देखते हैं उनको सबको पता है, बाकी कोई बंदा नया जुड़ा है चैनल पे तो उनको बता दूं भाई मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी है, फिर भी मैंने खड़ी करके रखी हुई है गाड़ी कल से। तो बोलना यही चाहूंगा भाई कि इस आंदोलन में सब सहयोग करें, चक्का जाम को सफल बनाएं, ये कानून वापस करवाने में सबकी मदद करें, है ना। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। क्यों नरेंद्र, हाँ नरेंद्र सही, आगे से आगे इसको लाइक करो, कमेंट करो और सपोर्ट करो भाइयों। ये अपने लिए जो बंदा चल रहा है उसका मतलब उसके पास 7 लाख रुपए है, वो जेल काटने के लिए तैयार है, इसलिए वो बंदा रुक नहीं रहा, क्योंकि हम भी तो भर सकते थे गाड़ी,
ज्यादा से ज्यादा जाम बनाओ और चक्का जाम करो। जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता, जब तक गाड़ी एक भी बंदा मत भरो। जब तक नहीं भरेगी, बाहर की गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, तो उनको पता चल जाएगा मोदी साहब को कि क्या किया मैंने। ये काला कानून गलत है, बिल्कुल गलत है भाइयों। ये तुम लोग सोचते हो भाई, गलती मारुति कार वाला करता है और बड़ी गाड़ी वाला भुगतता है। क्यों ऐसा क्यों? सजा उनको भी तो होनी चाहिए जो गलती करता है। उनको बिल्कुल दोनों साइड बराबर होने चाहिए, क्योंकि मोदी तो कार वाले के खिलाफ चल रहा है, बस गाड़ियों वाले के तो बिल्कुल खिलाफ चल रहा है भाइयों। और ज्यादा से ज्यादा सहयोग करो, सपोर्ट करो भाइयों, प्लीज। हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा मत करो। 2-3 दिन में आप करोड़पति नहीं बन सकते और नहीं बन पाओगे कभी भी। अब से पहले नहीं कुछ झंडे गाड़ पाए भाई, तो क्या कर लोगे 2-3 दिन में? क्योंकि बंदे चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। मेरे गांव के बंदे यहाँ मोरबी में गाड़ी चलाते हैं, उन्होंने 3 दिन से गाड़ी खड़ी करके रखी है। बहुत बंदे मेरे गांव के, बहुत है यार। आप हमारे बजरंगबली की गाड़ियां कितनी खड़ी हुई है जो कच्चे माल पे परमानेंट, उनका तो भाई 24 घंटे का काम है कच्चे माल का। वो बंदे भी खड़े हुए हैं जिनकी पर्सनल पर्सनल गाड़ियां हैं, वो भी खड़े हुई है। और भी बहुत ड्राइवर हैं जो यार पूरा सहयोग कर रहे हैं। बाकी ज्यादातर तो ये है ना, जिनकी खुद की गाड़ी नहीं है, वो नौकरी कर रहे हैं, वो बंदे नहीं रुक रहे हैं। वो बोलते हैं क्या होगा हमारे एक गाड़ी से, तो भाई उनकी मर्जी है। जब ये कोई दिन पड़ेगा ना डंडा कानून का, तब पता लग जाएगा कि भाई उस दिन अगर गाड़ी खड़ी कर लेते तो अच्छा होता। तो भाई आपकी मर्जी है, आप सहयोग करो तो बहुत बहुत धन्यवाद, ना करो तो भी भाई हम कुछ नहीं कर सकते। आपका चलाओ मजे से गाड़ी, लेकिन जिस दिन होगा ना आपके साथ बीतेगी आपके, तब पता लग जाएगा कि क्या आपने कितनी बड़ी जो एक भागीदारी थी ना, वो मिस कर दी आपने। तो इसलिए सभी सहयोग बना के इस आंदोलन को सफल बनाए भाई। अब हम कल से यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये देखो ये होटल है यहाँ पे, वे वेट इस पे खड़े हुए हैं, ये लोकेशन है यहाँ पे भाई साहब। गुजरात में है ना, अभी तक हमें यहाँ पे एक मतलब गिनी चुनी बस वगैरह नजर आ रही है, नहीं तो छोटी गाड़ियां मारुति वाले भी इतने नजर नहीं आ रहे भाई यहाँ पे। बाकी ये कोई बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा एरिया है, छोटी सी आबादी है नगर पालिका के लगभग, तो गाड़ी एक भी नहीं चल रही इधर। तो बस भी यहाँ पे रोडवेज बस होती है ना, वो भी बहुत कम गिनी चुनी आ रही है। तो भाई बस बस ड्राइवरों से भी निवेदन है कि वो भी यार, इसमें आप भी ड्राइवर हो, आपके पास भी कोई 10-10 लाख 7 लाख रुपया नहीं धरा हुआ है कि आप दे के निकल जाओगे इस चीज से, तो सहयोग बना के रखो यार। तो भाई ये थी हमारी तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर कोई भाई को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें। क्यों नरेंद्र? हाँ सही है, ज्यादा से ज्यादा करोगे तो ये अपने लिए ही फायदा है भाई। फायदा है भाई, अभी एकता नहीं हुई तो कभी नहीं होगी ये, होगी। क्योंकि जो बंदा चल रहा है उसके पास इसका मतलब है 7 लाख रुपए। कभी ना कभी ड्राइवर लाइफ में एक ना एक हादसा तो होता ही होता है, कभी ना कभी होगा भाई। उसको याद, मेरा 13 साल का करियर है, मैंने इतना बड़ा आंदोलन कभी ट्रक ड्राइवरों का देखा नहीं है। तो भाई इसी में सहयोग नहीं करेंगे, ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये अपने लिए है, अपने हक के लिए है, तो इसमें सहयोग करें। नरेंद्र आप बाहर से लोकेशन दिखा दे, नहीं तो काफी भाई कमेंट करेंगे कि भाई आप तो गाड़ी भर रहे हो, ये कर रहे हो। तो भाई पिछले 2 दिन से गन्ना खाली करके यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ मैं गुजरात। तो आप लोग सोच रहे होगी कि आपने गाड़ी भर रही होगी, हमारी गाड़ी ये देखो इधर ही खड़ी है और हम होटल पे खड़े है। यहाँ बहुत सारी गाड़ियां थी वो चले गए, लोकल थे, अभी ये देखो ये खड़ी है, बस खड़ी है। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो भाइयों, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ ही होगा हादसा, हादसा सबके साथ होता है, एक ना दिन होगा, क्योंकि ये तो होना ही है। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। ये देखो हमने तो गाड़ी खड़ी कर रखी है, क्योंकि हमको भरना ही नहीं है। 2-3 दिन में क्या हो जाएगा, 2-3 दिन में भर के क्या भाड़ा मिल जाएगा? ज्यादा नहीं तो लाख रुपए कमा लोगे उससे ज्यादा। और सपोर्ट करो भाइयों, जो भाई सहयोग कर रहे हैं खड़ा करके, उनका खुद का गाड़ी है वो भरा हुआ खड़ा करके कर रहे हैं, तो उनका सपोर्ट करो, क्योंकि हम तो उस जाम में नहीं आ पाए, हमने रात को ही गाड़ी खाली किया था, इसलिए खड़ा कर दिया गाड़ी, हमारा तो ये खड़ा है भाई, और अपन होटल पे खड़े हैं।
ये होटल है, गुजराती होटल है, क्योंकि हमने रात को ही खड़ा किया इसलिए जाम में नहीं आ पाए। बाकी हम भी आपका पूरा सहयोग करते हैं, आप अभी कर रहे हैं, हमने गाड़ी खड़ी करके खड़ी कर दिया, हमको भले ही 10 दिन क्यों ना चले जाम, तो हम गाड़ी नहीं हटाने वाले, 10 दिन भी नहीं हटाएंगे, इधर से ही होटल पे रहेंगे, मजा करेंगे बस।